हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ अंजना। अगेन मैं आप लोगों के लाई हूँ एक साड़ी का हॉल वीडियो, बट इस टाइम मैं अमेजन मिंत्रा की साड़ी का हॉल वीडियो नहीं लाई हूँ, मैं लाई हूँ स्वाति क्रिएशन की हॉल वीडियो। जी हाँ, जैसे कि आपने मेरी प्रीवियस वीडियो जो अमेजन मिंत्रा की हॉल वीडियो थी, आप लोगों ने बहुत पसंद किया, मेरी साड़ियों का कलेक्शन भी बहुत पसंद आया आप लोगों को। और सबसे ज़्यादा जो आपको पसंद आई वो थी ब्लैक साड़ी। कई लोगों ने मुझे उसके बारे में पूछा, तो मैंने उन लोगों को लिंक भी दिया था स्वाति क्रिएशन का। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस बार ओनली सिर्फ स्वाति क्रिएशन के बाद जो साड़ियाँ हैं बस उन्हीं के मैं हॉल वीडियो बनाऊँ। तो बस आज मैं आप लोगों के लिए उन्हीं साड़ी का हॉल वीडियो लाई हूँ। वैसे भी अब रक्षाबंधन काफ़ी फेस्टिवल भी आने वाले हैं, तो आप लोगों के लिए हेल्पफुल भी हो जाएगी ये वीडियो। मेरे चैनल का अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ में नोटिफिकेशन का बेल बटन भी होगा उसको भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरी जो भी वीडियो आएंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं फॉर मोर अपडेट्स। तो मैंने इंस्टाग्राम का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहाँ भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करती हूँ फर्स्ट साड़ी से, जो कि है ये पैरेट ग्रीन कलर की, और इसमें पिंक कलर का इस टाइप से ये डिज़ाइन दिया गया है। जो इसका फैब्रिक है उसको बोलते हैं जापानी क्रेप, जापान क्रेप बोलते हैं उसे, तो इसको जापान क्रेप बोलते हैं। तो ये बहुत ही मतलब जैसे होती है ना क्रेप वाली साड़ियाँ, मतलब बहुत ही प्यारी, एकदम से लग जाती हैं, कोई भी परेशानी नहीं है, बहुत ही सॉफ्ट है, और सबसे बड़ी बात बहुत ही लाइट वेट है। आप इसको पहनोगे ना कुछ मतलब, जैसे कई साड़ियाँ हैवी होती है हमें आफत आती है उनको कैरी करने में, बट ये इतनी सॉफ्ट है, इसको आप कैरी करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कॉकटेल पार्टी में, किसी के बर्थडे फंक्शन में, या कहीं भी ऐसे जाना हो तो आप इसको आराम से कैरी कर सकते हैं। ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है, और मैं आपको इसको खोल के दिखा देती हूँ इसका ओवरऑल प्रिंट। ये ओवरऑल प्रिंट आपको ऐसे ही दिखेगी इस तरीके से, जैसा आपको ये दिख रहा है। मैं पिक में भी मैंने आपको दिखाया है कि आप पिक में भी देख सकते हैं साइड में कि ये कैसे लगती है पहन के। तो ये सारी साड़ी इस तरीके से है, ये देखिए, इसको मैं दोनों साइड से दिखा देती हूँ, ये रहा इस तरीके से देखिए। इसमें बीच बीच में आपको ऐसे ये दिखाई देंगे पिंक कलर का, इसमें ऐसा प्रिंट दिया हुआ है। ये बहुत ही प्यारी लगती है पहन के, जैसा कि आपको पिक में भी दिख रहा होगा, बहुत ही प्यारी लगती है। ये ओवरऑल पूरी साड़ी इसी तरीके की है, और जो आपको इसका ब्लाउज मिलेगा वो भी जापान क्रेप का है वो ब्लाउज, और प्लेन पिंक कलर में आपको वो ब्लाउज मिलेगा। तो इसका भी कंट्रास्ट बहुत अच्छा है, ब्लाउज कंट्रास्ट में है तो बहुत ही प्यारा लगता है इस तरीके से। ये है इस तरीके से ब्लाउज, इसका मैंने सिलवा चुका है अभी, दे रखा है तो अभी तो मैं दिखा नहीं सकती, बट वो पूरा प्लेन कलर का है जैसे कि आपको पिक में दिख रहा है। मैंने कैरी कर रखा है, मेरे पास दूसरा पिंक ब्लाउज था तो मैंने उसी के साथ कैरी करके आपको दिखा दिया, तो आप देख सकते हैं उस तरीके से बहुत ही प्यारी लग रही है ये भी। तो बस ये थी मेरी फर्स्ट साड़ी। अगर आपको ये पसंद आती है तो आप लिंक मैंने नीचे दे ही रखा है, आप वहाँ से मंगवा सकते हैं, क्योंकि फेस्टिवल आ रहा है वैसे भी, तो आराम से आपको साड़ियों की ज़रूरत भी होगी तो आप वहाँ से ले सकते हैं। तो ये फर्स्ट साड़ी थी। बात करते हैं अब सेकंड साड़ी की, जो कि ये है। देखो कितनी प्यारी लग रही है, वाह। तो जो ये मेरी सेकंड साड़ी है ना, ये बहुत ही ट्रेंडिंग है आजकल, बहुत आपने सारी हीरोइंस को देखा होगा सारी यही पहन रही है, करिश्मा कपूर हो गई, काजोल हो गई, सारी यही साड़ियाँ पहन रही हैं आजकल इस तरीके की। तो ये आपको भी मैं पिक में भी दिखा दे रही हूँ, उनकी पिक भी दिखा दे रही हूँ जो काजोल और उन्होंने पहनी है, और इसमें साइड में मैं अपनी पिक भी दिखा रही हूँ कि मैं पहन के इसमें कैसे लग रही हूँ। देखो इस तरीके से इसमें बहुत सारे कलर अवेलेबल हैं, वो भी मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगी, आप आराम से जो कलर आपको पसंद, और सारे ही कलर इतने ब्यूटीफुल है ना, आप कोई भी कलर लेंगे तो आपको बहुत ही पसंद आने वाली है ये साड़ी। इसका मटेरियल इसका है जॉर्जेट में है, पर इस तरीके से आपको ये सिक्वेंस वर्क दे रखा है, जैसे आपको ये दिख रहा होगा ना, इसमें सारी साड़ी में आपको इस तरीके का सिक्वेंस वर्क दिखेगा, और बहुत ही प्यारी है, मतलब वही है जॉर्जेट इसका कपड़ा है, तो लगाने में कैरी करने में लाइट वेट है, तो आजकल ज़्यादातर गर्ल्स ज़्यादातर होती हैं, सबको लाइट वेट ही साड़ियाँ पसंद आती है, तो बस ये भी लाइट वेट है तो कैरी करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस तरीके से सारा है। और जो इसका ब्लाउज भी मैं आपको दिखा देती हूँ, ब्लाउज आपको इस वाले देखो इस तरीके का मिलेगा आपको, प्लेन रेड कलर का इसका फैब्रिक है, ये ब्रॉकेट फैब्रिक में ही आएगा, वैसे जैसे ब्रॉकेट बोलते हैं ना ब्रॉकेट कपड़ा होता है, बट ये प्लेन है, तो इस तरीके का आपको ये इसमें ब्लाउज मिलेगा, आप कोई भी डिज़ाइन में इसको सिला सकते हैं, ये बहुत ही प्यारी लगती है। तो बस ओवरऑल पूरी साड़ी आपको इस तरीके की मिल जाएगी, पूरी साड़ी में आपको इस तरीके का ही सिक्वेंस वर्क दिखाई देगा।
ये बहुत ही स्टाइलिश लुक देती है। आप इसको किसी भी पार्टी फंक्शन में कहीं भी पहने, बहुत ही स्टाइलिश लुक देती है इस तरीके से। तो गाइस ये देखो बहुत ही प्यारे लगते हैं अगर आप ऐसे कैरी करेंगे ना इसको। यहाँ देखो इस तरीके से बहुत ही प्यारी लग रही है। और रेड कलर तो मेरा फेवरेट है, तो मैं तो इसको बाई करने ही वाली हूँ। बाकी अगर आप लोगों को पसंद आती है तो आप भी वहाँ से लिंक में जाके आप उससे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जो उसमें बहुत सारे कलर हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें कॉफ़ी कलर भी इतना प्यारा लग रहा है और डार्क ब्लू कलर भी बहुत प्यारा लग रहा है। तो आप सारे कलर अवेलेबल है, आपको जो पसंद आता है आप वहाँ से ले सकते हैं। तो दो साड़ियाँ तो मैंने आपको दिखा दी, अब मैं आपको नेक्स्ट साड़ी दिखाती हूँ। नेक्स्ट साड़ी है ये थोड़ा इसका फैब्रिक जो है ये सैटन में है, थोड़ा इस टाइप का कपड़ा इसका, बट ये भी बहुत लाइट वेट है, बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है। जितनी मैंने आपको दो साड़ियाँ दिखाई उनसे भी लाइट वेट है। और इसका सैटन वाला फैब्रिक है, बट फिसलती नहीं है। मतलब जैसे बोलते हैं कि सैटन फिसलता है इसका थोड़ा कपड़ा, बट उतना भी नहीं है। ये बहुत ही अच्छी लग जाती है इस तरीके से। देखिए ये पूरे आपको सैटन में आपको ये पूरी प्लेन साड़ी मिलेगी इस तरीके से। बट जो ये ग्रे कलर है ना, ग्रे कलर तो बहुत ही ट्रेंडिंग है आजकल, बहुत चल रहा है। आपने देखा होगा कि हीरोइंस के लेके सब ग्रे कलर ही पसंद कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपको ये मिल जाएगी। ये देखिए साड़ी आपको ये प्लेन ओवरऑल आप देखेंगे ना, ये साड़ी पूरी आपको ऐसी प्लेन दिखेगी। और ग्रे कलर तो आजकल बहुत चल भी रहा है, लोगों को बहुत पसंद आता है, गर्ल्स को भी आजकल ग्रे कलर पसंद आ रहा है। तो ये देखिए बहुत ही प्यारा लगता है ये ग्रे कलर। ये पूरी आपको पल्ले से लेके स्टार्टिंग से लेके पूरे पल्ले तक आपको प्लेन ऐसी ही मिलेगी ग्रे कलर की। तो ये बहुत ही प्यारी साड़ी है, बहुत ही अच्छी है ये। और बट इसमें जो ये ब्लाउज है ना, ये देखो ब्लाउज का ही तो लुक है इसमें। जो ये ब्लाउज जब आप सिलवाएंगे ना तो साड़ी का पूरा लुक ही चेंज हो जाएगा, डिजाइनर साड़ी बन जाएगी। एक मतलब डिजाइनर साड़ी है ये एक तरीके से, क्योंकि जो इसमें ये ब्लाउज दे रखा है ना, तो ये ऐसा ही डिजाइनर साड़ियों में होता है कि प्लेन साड़ी और इस टाइप में आपको ये ब्लाउज मिल जाएगा। ये देखिए कितना प्यारा ब्रॉकेट में ही है ये, बहुत ही ज्यादा अंदर से देखिए इस टाइप का ही ये ऐसा हो रखा है ना, और बाहर से ऐसे बैक साइड से आपको ये प्लेन मिलेगा। बैक साइड से ऐसा प्लेन है ये पर्पल, बट फ्रंट से आपको इस तरीके का इसमें जो ये दिख रहा है ना गोल्डन का इसमें ऐसा डिजाइन दे रखा है। ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है इस तरीके से। और अगर देखो अगर जैसे ये साड़ी है और ये ब्लाउज से जाएगा तो कितना प्यारा लगेगा। बाकी आप पिक में तो आप देख ही रहेंगे किस तरीके से लग रही है। इसको मैंने पिंक ब्लाउज के साथ कैरी करा है, बट अगर इस तरीके का ब्लाउज होगा तो कितनी ब्यूटीफुल लगेगी ये साड़ी। तो बस ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है इस तरीके का कॉम्बिनेशन में, कितना प्यारा लग रहा है ग्रे के साथ ये वायलेट कलर, कितना प्यारा लग रहा है। तो बस ये थी मेरी थर्ड साड़ी। अब मैं आपको दिखाती हूँ अपनी नेक्स्ट साड़ी। जो मैंने आपको ग्रे साड़ी दिखाई है उसमें मैं आपको एक और कलर दिखा देती हूँ। ये वाला है मस्टर्ड येलो। वैसे आपको इसमें बहुत सारे कलर मिल जाएंगे, बट मैं आपको ये वाला दिखा देती हूँ। मेरे पास ये दो कलर है तो मैं आपको ये वाला दिखा देती हूँ। ये देखो मस्टर्ड येलो वाला ये कलर है, ये भी बहुत ही मतलब मस्टर्ड येलो गोल्डन सा, मतलब बहुत ही प्यारा लग रहा है ये वाला। और इसके साथ ब्लाउज इतना प्यारा ना, ये देखो ग्रीन कलर का कितना प्यारा लग रहा है इससे। ये देखो कितना अच्छा कंट्रास्ट में जो ब्लाउज दे रखे ना इन साड़ियों में, वो तो बहुत ही प्यारे कंट्रास्ट दे रखे हैं। ये देखो कितना प्यारा लग रहा है, जब आप इसको सिलाएंगे तो कितना ब्यूटीफुल लगेगा। आप इसको अच्छे से, काफ़ी डिज़ाइंस है मेरे पास ब्लाउज के, अगर आपको मेरे ब्लाउज डिज़ाइन का कलेक्शन देखना हो तो वो भी मैं आपको दिखा सकती हूँ। तो बस आप इसको डिज़ाइनर ब्लाउज में इतना प्यारा सिला सकते हैं। ये पूरा ऐसे ही आगे फ्रंट में इस तरीके का वर्क दे रखा है, ये सारा आगे फ्रंट में ऐसा वर्क है। और बैक साइड आपको ये ऐसे ही प्लेन मिल जाएगा इस तरीके से। जो इसमें वर्क भी है ना वो बहुत प्यारा है। ये देखो थोड़ा जैसे होता है हैवी, कोई हैवी ब्लाउज मांगता है तो ये हैवी ब्लाउज में भी आ जाएंगे, थोड़ा हैवी ब्लाउज और प्लेन साड़ी। ये बहुत ही स्टाइलिश लगेगी पहन के इस तरीके से। ये देखो सारी साड़ी जैसे मैंने आपको ग्रे दिखाई थी, ये भी सारी ऐसे ही है इस तरीके से मस्टर्ड येलो कलर। तो ये कलर भी बहुत ही प्यारा लग रहा है, अगर हम इसको सिलवाएंगे देखो कितना प्यारा लग रहा है इस तरीके से। तो इसमें बहुत सारे कलर हैं, फिलहाल मैंने आपको दो दिखा दिए, बाकी मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगी अगर होगा तो। तो बस ये थी दो साड़ियाँ। अब दिखाती हूँ मैं आपको अपनी जो मेरी लास्ट साड़ी है, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। लास्ट साड़ी है ये ब्लैक वाली। ब्लैक कलर तो सबका फेवरेट होता ही है, हमको एक ब्लैक साड़ी तो अपने कलेक्शन में रखनी ही चाहिए, क्योंकि ब्लैक इतना प्यारा कलर होता है ना, एक हमें ब्लैक साड़ी तो अपने कलेक्शन में हमेशा रखनी ही चाहिए। ये देखिए इस तरीके से ये साड़ी आपने देखी होगी, बहुत ही चल रही आजकल ट्रेंडिंग हो रखी है ये वाली भी। आपको इसमें ऐसा बॉर्डर मिल जाएगा नीचे से और ऊपर आपको इस तरीके का प्रिंट मिल जाएगा। मैं इसको आपको ओपन करके दिखा देती हूँ।
इस तरीके से ये है, ये इसका पल्ला है। ये देखिए पल्ला में भी आपको ऐसे ये कितने प्यारे लग रहे हैं, ये आपको ऐसे टैसल मिल जाएंगे। देखो ये जो इसका पल्ला है ये आपको सारे ऐसे टैसल्स मिल जाएंगे, कितना प्यारा लग रहा है ना। ये ऐसे टैसल्स मिल जाएंगे और आपको इस तरीके का इसमें ये बॉर्डर दिख रहा है ना काफ़ी, इस तरीके का ये बॉर्डर मिल जाएगा। ये पूरी साड़ी आपको इस तरीके से, ये भी सारी साड़ी ओवरऑल ऐसी प्रिंट है, छोटे छोटे इसमें ये फ्लावर प्रिंट्स बने हैं, प्रिंट है ये, वर्क नहीं है, ये सारे फ्लावर ये है प्रिंट हो रखे हैं इसमें इस तरीके से। ये सारे आपको ऐसे मिल गए और आपको इसमें जो नीचे बॉर्डर भी दिखा देती हूँ, इस तरीके का ये बॉर्डर रहेगा सारी साड़ी में, ऐसे नीचे बॉर्डर रहेगा। बाकी आप साइड में पिक देख ही सकते हैं कितनी प्यारी लग रही है पहन के, इस तरीके का बॉर्डर सारी साड़ी में आपको इस तरीके का बॉर्डर मिलेगा। और सबसे अच्छा मैं आपको इसका ब्लाउज दिखाती हूँ, ब्लाउज आप देखेंगे ना तो ब्लाउज को सिलवा देंगे जब आप इस साड़ी के साथ, देखो ये था मेरा आज का हॉल वीडियो। बताना मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के कि आपको कौन सी साड़ी पसंद आई और कौन सी अच्छी लगी। आपको कोई भी क्वेश्चन होगा साड़ी से रिलेटेड तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप आसानी से पूछ सकते हैं। बाकी मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे ही रखा है, आपको अगर परचेज करनी हो पसंद आए तो आप लिंक में जाके परचेज कर सकते हैं। तो बस दैट्स इट। तो गाइज जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और फ्रेंड से भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी मेरी ये साड़ी का हॉल वीडियो देखने को मिले और उनके थोड़े हेल्पफुल हो जाए साड़ी परचेज करने में। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।